गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज हम फिर से आ चुके हैं टेलको, और एक हमारे सब्सक्राइबर भाई ने फिर से कमेंट किया वो टेलको वाले ब्लॉग में जो इससे पहले मैंने डाला था कि भाई आप एक बारी टेलको डी रोड का पंडाल दिखाएं। तो हम आ चुके हैं टेलको डी रोड, और ये जस्ट जो टेलको थाना है आज़ाद मार्केट वाला रोड कटता है उस रोड में आप जैसे ही घुसेंगे सामने में ही आपको पंडाल दिख जाएगा। तो अभी हम टेलको डी रोड का पंडाल दिखाएंगे, और एक जो है गोलमुरी थाना जाने वाला रास्ता है जो कि तीन प्लेट में पड़ता है, तो वो भी आपको पंडाल जाके दिखाएंगे। तो अभी वीडियो में बने रहे, चलिए अभी टेलको डी रोड का दिखाते हैं। ये है कुछ दूर से व्यू टेलको डी रोड का पंडाल, और ये टाटा मोटर्स वाले जो रोड से आप घुसेगा उसके जस्ट बगल में एक टेलको थाना का बोर्ड लगा रहेगा, उसी बोर्ड से आप आएंगे तो सामने में ही आपको दिख जाएगा ये। तो अभी आपको अंदर लेके चल रहे हैं गाइस। ये है पंडाल, कुछ सामने से ये व्यू है, और ये थोड़ा थोड़ा पहाड़ टाइप में लग रहा है देख के। अगर आपको कुछ समझ आ रहा हो क्या बन रहा है पंडाल, तो आप भी कमेंट करके मुझे बता देना। और अभी हम आपको उसका अंदर से भी दिखा देते हैं एक बारी, तो चलिए हमारे साथ अंदर। ये होने वाला है कुछ अंदर से व्यू, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। क्या स्ट्रक्चर बन रहा है मुझे तो आइडिया नहीं, ये अंदर से है, बाहर से तो पहाड़ जैसा ही दिख रहा है। बोरियां से बन रही है, और ये देखो यहाँ पे भी कुछ रखा हुआ है स्ट्रक्चर, शायद इसको ऊपर लगाया जाए या नीचे रहेगा पता नहीं, पर जो भी है यही पंडाल है डी रोड का देख लो। और ये एक थीम पे ही लग रहा बन रहा है, ये पूरा पंडाल है। और इधर ग्राउंड का व्यू ये देखो। तो अभी हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि गोलमुरी थाना वाली रोड में है तीन प्लेट, तो चलिए अभी वहाँ। पहुंच चुके हैं जो तीन प्लेट और गोलमुरी थाना वाला रास्ता में है। देखो पीछे पंडाल आपको दिख रहा होगा, तो अभी आपको अंदर लेके चल रहे हैं और दिखाएंगे अंदर से भी पंडाल और बाहर से भी कुछ सामने से व्यू दिखाएं। ये है कुछ पंडाल का लुक, काफ़ी हाइट है, मतलब काफ़ी ज़मीन से देख लो काफ़ी ऊँचाई है इस पंडाल का देख लो। और सुबह सुबह के टाइम में थोड़ा बादल छाया हुआ है और अंधेरा भी है, तो अभी अंदर लेके चल रहे हैं आपको। तो बता दें हम कि ये पंडाल भी बहुत खूबसूरत बनती है, मतलब उसका भी बहुत थीम अच्छा होता है, और यहाँ मेला छोटा मोटा मेला लगता है लेकिन पंडाल काफ़ी सुंदर है यहाँ एग्रीको का। जब ये पंडाल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम एक वीडियो लाएंगे जो मेला घूमने से पहले का, जो पंडाल कम्प्लीट होने के बाद, तो आपको दिखाएँगे काफ़ी सुंदर ये पंडाल सब बनती है। तो अभी आपको दिखाने जा रहे हैं अंदर का सारा व्यू, ये देखो काम कितनी ज़ोरों शोरों से चल रही है, और वहाँ पे माता की प्रतिमा आपको दिख रही होगी। ये है कुछ गोलमुरी इवनिंग क्लब है जो कि इसका इवनिंग क्लब नाम है, इस क्लब का इसी क्लब में ये पंडाल बनती है। तो गाइस ये था आज का दोनों पंडाल का कुछ, आपने देख ही लिया दोनों पंडाल का थीम जो भी था मैंने दिखा दिया। और वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लोग लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, और अगली वीडियो में कहाँ जाना है अगर आपको पंडाल देखना है तो कमेंट भी करके बता देना, अगर हो सके तो मैं वहाँ लेके चलूँगा। तब तक मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय, तब तक के लिए।